नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। कोरोना महामारी के बचाव के लिए दूसरा लॉकडाउन चल रहा है। दूसरे चरण का लॉकडाउन 19 दिन का है। ये लॉकडाउन 3 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है, जिसका असर त्योहारों पर देखने को भी मिल रहा है। प्रथम चरण के लॉकडाउन में नवरात्र पर असर देखने को मिला, तो वहीं दूसरे चरण में रमजान के मुकद्दस महीने पर भी असर पड़ेगा। 25 अप्रैल से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। इसमें ना तो मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा सकेगी और ना ही तरावी पढ़ी जा सकेगी। वहीं ईद की नमाज किन हालातों में होगी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूरी बनाए रखें और दुआ करें, अल्लाह ने चाहा तो ये इस महीने में ये वबा ख़त्म हो जाएगी, उसकी रहमत जोश में आएगी। क्या सभी मुसलमान घरों पर ही नमाज़ पढ़ रहे हैं? सभी मुसलमान घरों पर ही नमाज़ पढ़ रहे हैं और मस्जिदों में कहीं कोई भीड़ नहीं है। 1-2-3 लोग ही जो मस्जिद के मुतवल्ली मुअज्जिन या खादिम हैं, वो इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाकी सब लोग घरों में पढ़ रहे हैं। और आप वैसे भी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में शैतान कैद कर दिए जाते हैं और लोग वो जो कभी 11 महीने नमाज़ नहीं पढ़ते वो भी नमाज़ पढ़ते हैं और पाक साफ रहते हैं, रोज़े रखते हैं, उसका पूरा अमल देखने में आ रहा है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो घरों से ज़्यादातर बेफालतू में घूम रहे हैं, अनावश्यक घूम रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को इस माहौल में भी घूमना चाहिए? उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को नहीं घूमना चाहिए। हम उन लोगों को बराबर समझाते आए हैं, फिर हम उनसे यही अपील करेंगे कि वो इस बार लॉकडाउन में खाली होने का पूरा फ़ायदा रमज़ान के लिए उठाएं और सारी फुर्सत रमज़ान के रोज़े, नमाज, तरावी और सहरी व इफ्तार के लिए वक्फ़ कर दें। इससे अच्छा मौका हमारे लिए कभी नहीं आया होगा कि हम घर में रह कर खूब पाबंदी से। जिस तरह कोरोना को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया गया है और अभी दूसरा पार्ट लॉकडाउन का चल रहा है, उसी को लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों का रमज़ान शरीफ का पाक महीना आ गया है। और अगर बात की जाए मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद का पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और गांव-गांव जाकर के अनाउंसमेंट करा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग घर में ही रोज़ा नमाज अदा करें, कोई भी आदमी बाहर ना निकले और लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। यदि अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो धारा 144 लगा करके उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुस्लिम समाज के लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो घर में ही रह करके अपना रोज़ा और नमाज़ अदा करें। सारे ही लोग सैनिटाइज़र और साबुन का इस्तेमाल करें, सी एम एन न्यूज़ मुरादाबाद, नूर हसन जी। क्या नाम है आपका? महबूब अली। महबूब भाई, जैसे कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, किस तरीके से लोग घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान रख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पाक महीना रमज़ान का चल रहा है और सभी लोग लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। और जो मस्जिदों में फ़िलहाल जो पाबंदी है, केवल यही कि 4 या 5 लोग ही मस्जिद में नमाज़ अदा करेंगे, वही लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने घरों पर नमाज़ अदा कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति मस्जिद में नहीं जा रहा है, क्योंकि